Salamji. I'm so happy to be here again. मैं दोबारा से यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ. To see a hungerful God. और आपकी प्यास और भूख जो खुदा के लिए उसको देखकर. And also see how you experience God. और इस बात से भी कि आप खुदा का तजरबा रखते हैं. Last night there was a person who was deaf, and then she was healed instantly, and she could hear again. और पिछली रात एक जगह पर हम थे और वहाँ पर एक लड़की जो कि बहरी थी, जब उसके लिए दुआ की गई तो फौरन उसने सुनना शुरू कर दिया. And also, I was demonstrating to pray for two persons. और मैं दो लोगों के लिए दुआ कर रहा था. And one man had evil spirit. और एक आदमी के अंदर बुरी रूह थी. And an evil spirit manifested immediately. और बुरी रूह जो थी वो एकदम से जाहिर हुई. And during the prayer, the evil spirit was driven away. और दुआ के दौरान वो बुरी रूह उसमें से निकल गई. And it caused the whole group of people to hunger for God. और मैंने देखा कि जितने भी लोग वहाँ पर थे, वो खुदा की भूख रखते थे. Then we can see that God is very real right here now. और मैं देखता हूँ कि खुदा हकीकत में यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है. Tell the person next to you, God is right here now. और अगले जो आपके साथ बैठा हुआ बहन या भाई उससे कहे कि खुदा हकीकत में यहाँ पर मौजूद है. Hallelujah. Hallelujah. God is right here. खुदा यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है. He is almighty. वो कादर-ए-मुतलक है. He is also very loving. और इसके साथ साथ वो बहुत मोहब्बत भी रखता है. His love exceeds our imagination. और वो हमारी मोहब्बत जो ख्यालात में है वो उसको जानता है. In the Bible, Psalm 103:11. और ज़बूर 103 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है. For as high as the heavens above the earth, so great it is love for those who fear him. As high as the heaven is above the earth. क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं. You can reach up as high as you can, but you cannot reach the roof of this house, right? आप जंप लगा सकते हैं और उतना बुलंद हो सकते हैं जितना हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप छत पर नहीं पहुंच सकते. Even if you use a rocket, you can fly to the edge of the solar system, but not anymore. आप फिजा तक पहुंच सकते हैं किसी रॉकेट को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन शायद इससे बुलंद आप ना जा सकते हो. But the heaven is much higher than the solar system. और लेकिन उससे भी बढ़कर जो है वो आसमान की बुलंदी है. The solar system is just a small part of the universe. और जो ये सिस्टम है फिजा जो है इसने इसको रोका और इसके आगे जो है वो आसमान है. God's love is beyond our imagination. लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो आपके ख्यालात से बढ़कर है. I hope we all live in the love of God. और मेरा ईमान है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब खुदा की मोहब्बत में रहते हैं. If we live in the love of God, then we can motivated by His love all the time. और जब हम खुदा की मोहब्बत में रहते हैं, तो फिर हर वक्त हमारी हम इस तरक्की करते हैं. And then we can have the ability to love those who hate us. और फिर हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा होती है कि हम उनसे मोहब्बत रखें जो हमसे नफरत करते हैं. And to love the family members who might not like you. और उन खानदान के मेंबरान से हम मोहब्बत रखें जो शायद हमसे नफरत करते हों. It's very important for us to live in the love of God all the time. और ये बड़ी अहम बात है कि हम हर वक्त हर घड़ी खुदा की मोहब्बत में रहें. All Christians knows that. For God so loved the world. और तमाम मसीही ये जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी. But not all Christians live in the love of God. लेकिन सारे जो मसीही हैं, वो मसीह की मोहब्बत में रहते नहीं हैं. As I shared before in 1998, when the evangelist laid hand on me. जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को बयान किया कि 1998 में एक मुबशर जी ने मुझ पर हाथ रखा. And immediately I experienced power like electricity entered me. और मैंने फौरन इस बात को जाना कि खुदा की कुव्वत जो है वो बिजली की तरह मेरे अंदर मुंतकिल हुई. And experienced the love of God fill my heart so strong. और मैंने इस बात को जाना कि खुदा की मोहब्बत जो है वो बड़ी गहराई के साथ मेरे अंदर दाखिल हुई. And I cried for a long time. और फिर मैंने बहुत देर तक मैं रोता रहा.
It was the first time that I experienced the presence of His love entering my heart so strong. और ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था कि मैं वो मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है वो मेरे दिल में आई. But this is just a small portion of the love of God. लेकिन ये सिर्फ खुदा की मोहब्बत जो थी मजबूती के साथ उसकी जो मैंने प्रस्तुत की उसके वसीला से. When we are in heaven one day, और जब हम आसमान पर एक दिन उठ जाएंगे, we will be overwhelmed with the love of God all the time. और हम वहाँ पर खुदा की मोहब्बत में रहेंगे हर वक्त हर घड़ी. Some people have gone to heaven in a prayer and come back. और बहुत सारे लोग दुआ के दौरान आसमान पर उठा लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं. I know two such persons personally. और मैं दो इंसानों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ. And then they said when the spirit goes to heaven, they experience a great, great love. और उनकी रूह जब आसमान पर उठाई गई, तो उन्होंने वहाँ पर अजीम मोहब्बत का मुशाहदा किया. And a great, great joy. और वहाँ पर अजीम खुशी थी. Imagine that you, in your prayer, go on to heaven. और इस बात को जरा अपने ज़हन में रखें कि अगर आप दुआ के दौरान आसमान पर उठाए जाते हैं, and then you come back and see the sinners mistreat you. और फिर जब आप ज़मीन पर आते हैं और दोबारा से गुनाह को देखते हैं, तो शायद आपको ये अच्छा ना लगे. You will say, I don't mind that very much. और आप ये कहेंगे मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है. Because you know, you say, I have experienced the great love of God. क्योंकि मैं तो खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा कर चुका हूँ. Even if you mistreat me, it doesn't matter. आप मेरे साथ भी बुरा सलूक करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. For God's love is so great. क्योंकि खुदा की मोहब्बत बड़ी अजीम है. One day when we leave this world, और एक दिन जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, when our soul leaves our body, और जब मैं इस बदन को और अपनी जान को छोड़ दूंगा, if we are real believers, और अगर हम हकीकी ईमानदार हैं, मसीही हैं, and then the moment we put down our sinful nature, और फिर हम अपनी गुनाहगुदा फितरत को जब यहाँ पर छोड़ देंगे, and immediately we will experience a great love of God, और फौरन हम मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे. But I hope we all experience His love right here now. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम अभी इसी वक्त खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा कर रहे हैं. And not to wait until we leave this world before we experience the love. और हमें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब मैं दुनिया छोड़ूं और खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करूं. There are people who has gone to heaven and then share their experience. और ऐसे लोग जो आसमान पर उठाए गए रूह में, उन्होंने अपना तजुर्बा शेयर किया. On the internet, you can find someone called Ian McCormick. Ian McCormick, there's a man. ये नाम है उस बंदे का. आप इंटरनेट पर अगर आपको समझ आई हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं. He was a great sinner. वो बहुत बड़ा गुनहगार था. And he was hit by the most in the world, the second most deadly animal. The box jellyfish. He was hit by the jellyfish. Very dangerous. एक जेलीफिश होती है, शायद आपने देखी हो, मैंने भी देखी है, तो वो बड़ी डेंजरस होती है. And then he knew he was dying. और उसको उससे पाला पड़ गया होगा, तो वो उसने जाना कि अब मैं मर रहा हूँ. And at that time he remembered his mother's word, say, when you're in difficulty, pray. और फिर उसे अपनी माँ की ये बात याद आई कि अगर तुम मुश्किल में हो तो दुआ करो. But at that time he did not know how to pray. लेकिन उस वक्त वो नहीं जानता था कि उसे कैसे दुआ करनी है. And suddenly the Lord showed the word of the Lord's prayer in front of him. और फिर अचानक उसे जो दुआएं रुबानी है वो सामने नजर आई कि मैं ये पढ़ूं. And then it says that forgive those who has trespassed against you. और उसको ये बात याद आई कि उनके गुनाहों को माफ कर दे जो तेरे खिलाफ गुनाह करते हैं. And then he said, "Well, I can forgive people easily." और उसने कहा कि मैं आसानी से गुनाह को माफ कर सकता हूँ. But God suddenly shows someone who refused to take him to the hospital. और फिर खुदा एक ऐसे शख्स को उसके पास भेजता है जो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाता है. And when he saw the man, he said, "How come that man is here?" और जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने कहा ये कैसे यहाँ पर पहुंच गया. He refused to take me to the hospital because I had no money. और उसने कहा कि मुझे ये शख्स को चाहिए कि मुझे हॉस्पिटल में ना लेके जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. And he was angry with that man. और वो उस आदमी के साथ नाराज हो गया, गुस्से में आ गया. But then he remembered his word, forgive those who trespass against you.
उसे फिर भी ये बात याद आई कि जिस तरह से हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर. So he said, Jesus, if this is what you want me to do, then I will forgive him now. और उसने कहा कि यीशु अगर तू यही मुझसे चाहता है तो मैं अभी इसको माफ कर दूंगा. So before he died, the Lord showed him the Lord's prayer to help him repent of his sins. इससे पहले कि वो इस दुनिया से कूच करता, खुदा ने उसे वो दुआएं वाली बताई कि तुझे ये दुआ करनी चाहिए. And trust in Jesus as his savior. और यीशु पर ईमान रखना चाहिए कि वो ही हमारा मुनजी है. And then when he died, और जब वो मर गया, he first went to hell. और पहले उसे जहन्नम में डाल दिया गया. Because he lived in a world, you know, in a life of sins. क्योंकि उसने गुनाह में जिंदगी गुजारी थी. And then he saw a bright light on top. और उसके बाद उसने एक और जगह देखी. And he was drawn by the light to heaven. और फिर वो जो रोशनी थी उसके सबब से उसे आसमान पर उठा लिया गया. And then he saw Jesus. और उसके बाद उसने यीशु को देखा. And Jesus said to him, "Do you want to stay here?" और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू यहाँ पर रहना चाहता है? And he said, "I don't deserve it." उसने कहा कि मैं इसकी तवक्को नहीं रखता. And he said, "I have committed many sins." क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए. And when he said that, he saw a wave of light came from Jesus. और फिर उसने देखा कि एक रोशनी की लहर जो है, वो उसकी तरफ से आ रही है, यीशु की तरफ से उसकी तरफ आ रही है. He thought that light is going to hit him back to hell where he came from. और उसने देखा कि वो ही जो रोशनी थी, वो उसे धकेल रही थी दोसर की तरफ. But the moment the wave hit him, he experienced a great love. और जब वो रोशनी ने उसे छुआ, तो उसने तजरबा किया खुदा की मोहब्बत का. And he said this. और उसने ये कहा, No one can be prepared to meet the love of God. कोई भी अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं कर सकता कि वो खुदा की मोहब्बत को देखे. The love of God is so overwhelming. क्योंकि खुदा की मोहब्बत गर्मी से हमें मिलती है. No one knows how great this love is. और कोई नहीं जानता कि उसकी मोहब्बत कितनी असीम है. And he experienced this great love. और उसने उसकी असीम मोहब्बत का तजर्बा किया. And when he described this experience of his, और जब वो अपने इस तजर्बे को बयान कर रहा था, tears came to his eyes. और उसकी आंखों में आंसू आ गए. Because he has experienced this great love. क्योंकि उसने उस असीम मोहब्बत का तजर्बा किया. And then he said again, "Well, I have committed many sins." और फिर उसने ये कहा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं. I took drugs. और मैंने नशा किया. And then the wave came again. और फिर दोबारा से वो रोशनी आई. And he experienced God's love again. और खुदा की मोहब्बत को दोबारा से उसने देखा. And then he said, "I slept with many women." और उसने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़नाकारी की है. I don't deserve the love of God. और मैंने खुदा की मोहब्बत को नहीं, खिदमत नहीं की. And the love of God came again. और दोबारा से खुदा की मोहब्बत उसकी तरफ आई. He was totally transformed by the love of God. और खुदा की मोहब्बत से वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया. And then Jesus asked him again. और फिर से यीशु ने उससे पूछा, Do you want to stay here? क्या तू यहाँ पर ठहरना चाहता है? He said, I'm not married. उसने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ. There is no one in the world who loves me. और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो. I want to stay here. मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ. I don't want to go back to the world. मैं दोबारा दुनिया में नहीं जाना चाहता. The moment he said that. और जैसे ही उसने ये कहा, at the corner of his eye, he saw his mother. और फिर उसने अपनी माँ को वहाँ पर देखा. Praying for him. उन जो उसके लिए दुआ कर रही थी. His mother has prayed for him for years. और उसकी माँ काफी अरसा था, कई सालों से उसके लिए दुआ कर रही थी. And told him, if you are in difficulties, be sure to pray. और उसने उसे बताया था कि अगर तू मुश्किल में हो तो दुआ करना. And he knew that if he stayed in heaven at that time, और वो जानता था कि अगर वो उस वक्त आसमान पर ठहर जाता है, his mother would be greatly disappointed. और फिर उसकी माँ जो है उसकी उसका दिल टूटेगा. Because his mother did not know that he has gone to heaven. क्योंकि उसकी माँ नहीं जानती कि वो आसमान पर उठा लिया गया है. Because according to his lifestyle, he should go to hell. और क्योंकि जो उसकी जिंदगी थी वो ऐसी थी कि वो जहन्नम में ही जाता. It was only in the last moment that he really believed in Jesus. और ये वो आखिरी लम्हा था कि जब वो यीशु पर ईमान ला सकता था. And the moment he saw his mother, और जब जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, he cried. उसने रोना शुरू कर दिया.
He remembered how much his mother loved him. और उसे याद आया कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। He cannot leave his mother in disappointment. और मैं इस जगह पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। He has experienced God's love also through his mother's love. और उसने अपनी माँ की मोहब्बत के सबब से खुदा की मोहब्बत को जाना। And then he said to Jesus. और फिर उसने यीशु से कहा। Yes, I'll go back. हाँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। And then he returned. और फिर वो वापस आया। And then in a short time he recovered. और जल्दी से वो शिफायाब हो गया। And then he asked Jesus, "Who am I?" और फिर उसने यीशु से पूछा कि मैं कौन? Jesus said, "You are a renewed man now, a renewed man." और तू एक नया मखलूक है। And he became a pastor. और फिर उसके बाद वो पास्टर बन गया। After he experienced his love of God. और खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करने के बाद। I hope when you hear this testimony. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब आपने ये गवाही सुनी। You can understand how great God's love is. और आप इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत कितनी असीम है। We can never be prepared to meet the love of God. हो सकता है कि हमने कभी अपने आप को तैयार ही ना किया हो कि हम खुदा की मोहब्बत को जाने। When I experience God's love, जब मैं खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करता हूँ, when the evangelist prayed for me, और जब उस मुबशर इंजील ने मेरे लिए दुआ की, later every time I cry out to Jesus, और फिर मैंने जाना कि मैं हर वक्त खुदा के सामने कुर्लाता हूँ, चिल्लाता हूँ, I said Jesus, मैं कहता हूँ यीशु, and His joy would fill me, और जैसे ही मैं यीशु कहता हूँ, उसकी शादवानी मुझे मामूर कर देती है, and His love would fill me, और वो उसकी मोहब्बत मुझे मामूर कर देती है। और उसकी मोहब्बत कितनी असीम है। I only experienced a small portion of his love. और मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी मोहब्बत का मुशाहदा किया। As the heaven is above the earth. और जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। So great it is love. और उसकी मोहब्बत भी उतनी ही अजीम है। For those who fear him and honor him. वो जो उसका डर मानते हैं उनके लिए। His love for you is very great. और उसकी जो मोहब्बत आपके लिए है वो बड़ी असीम है। But many people's heart are like a clam closed. लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल जो है वो बंद है। Not open. वो खुले नहीं है। God's love for us is very great. खुदा की मोहब्बत हमारे लिए बहुत असीम है। His love surrounds us all the time. और उसकी मोहब्बत चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। But very often our heart is not open. और अक्सर बार हमारे दिल नहीं खुलते हैं। We feel numb, no feeling. हम कुछ भी महसूस नहीं करते। When people worship, we just worship, but no feeling from the hearts. जब लोग प्रस्तुत करते हैं तो हम भी प्रस्तुत करते हैं लेकिन दिल में किसी तरह का एहसास नहीं होता है। It's not from the spirit. रूह से हम नहीं करते हैं। That's why we cannot experience God's love. इसीलिए तो हम खुदा की मोहब्बत का मुशाहदा नहीं कर पाते हैं। But if we open our heart, लेकिन अगर हम अपने दिलों को खोल देते हैं and always say to the Lord, और फिर हम खुदा की प्रस्तुत करते हैं Jesus, I need you. और हम कहते हैं यीशु मुझे तेरी जरूरत है। Your love is so great. तेरी मोहब्बत बड़ी असीम है। There is no one who loves me like you. और कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरी मानत मुझसे प्यार करे। और जब आप ऐसा यीशु से कहते हैं, Lord, I love you with all my heart. यीशु, मैं अपने पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत करता हूँ। You are my life. तू मेरी जिंदगी है। You are my salvation. तू मेरी नजात है। You are my God. तू मेरा खुदा है। You are my friend. तू मेरा दोस्त है। You are my bridegroom. और तू ही मेरा दुल्हा है। I need you. मुझे तेरी जरूरत है। I want you. मैं तुझे चाहता हूँ। I need your love. और मुझे तेरी मोहब्बत की जरूरत है। If we live like that, और अगर हम इस तरह से कहते हैं, you'll be attracted by the love of God. और फिर आप खुदा की मोहब्बत से आप लबरेज हो जाएंगे। You'll be changed by the love of God. और खुदा की मोहब्बत से आप तब्दील हो जाएंगे। I tell you, I spend a lot of time praying. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दुआ में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। Even now, I'm praying, loving God in my heart. और अभी भी मैं खुदा की मोहब्बत को महसूस कर रहा हूँ। And I can experience His love right now. और अभी भी मैं उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हासिल कर सकता हूँ। Whenever
I'm walking alone. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ. Whenever I'm alone. और जब मैं तन्हाई में होता हूँ. I'm always loving God. और मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ. Even when I'm with people. और हो सकता है कि लोगों के लोग मुझसे नाराज हों. When I'm talking with people. और जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ. Or when I'm preaching. या मैं कलाम सुना रहा हूँ. In my heart, I'm liking Jesus. I love Jesus. और मैं अपने दिल में उस यीशु बादशाह को मान लेता हूँ. मेरे दिल में उसकी जगह होती है. And I experience His love all the time. और हर वक्त मैं उसकी मोहब्बत का तजर्बा करता हूँ. And I experience His joy all the time. और हर वक्त उसकी शादमानी का तजर्बा करता हूँ. And when I pray for people. और जब मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ. I can see people experience God's peace and love all the time. और मैं तजर्बा करता हूँ कि लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उसका इत्मीनान और उसकी तसल्ली उन पर आ ठहरी. I want to tell you, you can live like that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं. Many Christians live like this. और बहुत सारे मसीही इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं. Oh, life is difficult. और वो जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल है. My family members don't treat me right. और मेरे जो फैमिली मेंबर है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते. Oh, I want to die. और मैं मरना चाहता हूँ. I don't want to live here. मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहता. There's no joy. और मेरे लिए कोई खुशी नहीं है. No strength. No strength. और किसी भी तरह की कोई शादमानी नहीं है. Many Christians live a life as if there's no love of God. और बहुत सारे मसीही ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि वो कहते हैं खुदा की मोहब्बत नहीं है. Always overwhelmed by sinners. और वो गुनाहगारों की वजह से दबे होते हैं. Not overwhelmed by the love of God. और वो खुदा की मोहब्बत करे नहीं तपते. But if we hunger for the love of God. लेकिन अगर आप खुदा की मोहब्बत के प्यास से होंगे या भूखे होंगे. We'll be motivated by the love of God all the time. तो फिर खुदा की मोहब्बत के सबब से आप सरबुलंद किए जाएंगे. That is why in the prayer after the service. इसलिए तो इबादत के बाद जो दुआ होती है. I'd rather pray for you to experience the peace and the love and the joy of the Lord. और मैं इस बात को चाहूँगा कि मैं आपके लिए दुआ करूँ कि आप तजर्बा करें खुदा की मोहब्बत, इत्मीनान और तसल्ली का. Rather than just praying for healing. और इससे हट के कि आप सिर्फ शफा के लिए दुआ करवाएं. But so many times people just say, I need healing. और बहुत मरतबा हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे शफा की जरूरत है. Now, I'm happy to pray for your healing. और मैं इस बात पर भी खुश हूँ कि मैं आपकी शफा के लिए दुआ करूँ. But I'd rather that you would say, I want to be filled with the Holy Spirit. और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये कहें कि मैं रूह कुदस से मामूर होना चाहता हूँ. I want to be filled with the love of God. मैं खुदा की मोहब्बत से मामूर होना चाहता हूँ. The peace of God. और खुदा की तमन्ना से. The joy of the Lord. खुदा की शादमानी से. So that I have strength every day. ताकि मैं हर रोज कुवत को हासिल करूँ. So that every time I pray. और जब भी मैं दुआ करता हूँ. I can experience His joy. और मैं उसकी शादमानी का तजर्बा लेता हूँ. And His love. उसकी मोहब्बत का. Do you hunger for the love and the joy of the Lord? क्या आप उसकी उसकी मोहब्बत और शादमानी का की भूख रखते हैं? Do you hunger for the love and the joy of the Lord? क्या आप उसकी शादमानी के लिए भूख और प्यास रखते हैं? I hope you want that more than just healing. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप शफा से बढ़कर खुदा की भूख और प्यास रखते होंगे. When you have the joy and love of the Lord, healing will come to you. और जब आप खुदा की शादमानी को हासिल कर लेंगे, तो आपको खुद ब खुद ही शिफा मिल जाएगी. Like yesterday I shared, I'm 64. और जैसे मैंने पिछली रात ये शेयर किया कि मैं यानी कि ये 64 साल के हैं. And I saw a few men, and the pastor said they were 50 years old. और मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने इनको बताया कि इनकी उम्र 50 साल है. The hair is all white. उनका सर सफेद हो गया. The face looks so old. उनका जो चेहरा वो बूढ़ा हो गया. मम्मी ना आने से. I'm surprised. और मैं हैरान हुआ इस बात से. I'm 14 years older than he is. मैं उससे 14 साल बड़ा था. But he looks much older than I am. लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था. तो पता नहीं ना इतने कड़ियाँ मुझे क्या. And tell you, with the joy and the love of the Lord, you stay young longer. और जब आप खुदावंद में रहते हैं, तो आप हमेशा जवान रहते हैं. And you stay healthy longer. और आप सेहतमंद रहते हैं खुदावंद. A
is most important for your health, और इस ये जो आपकी सेहत है ये बड़ी अहम है, that you stay in the love and the joy of the Lord. और जब आप खुदावंद के अंदर उसकी शादमानी में और उसकी खुशी में रहते हैं, God has created a body. The body can heal itself. और जो खुदा है उसने जिस्म को तख्लीक किया और जिस्म अपने अंदर ये सारी चीजें रखता है. When you live in joy and peace, और जब आप इत्मीनान में और शादमानी में रहते हैं, your body can recover. तो फिर आपका जिस्म जो है वो बहाल हो जाता है. I used to have aches over my joints. Aches over my joints. Like backache, but ache over the joints. और अपने जोड़ों के ऊपर मैं कुछ मारता हूँ या इस तरह की कुछ चीज़ मैं हरकत करता हूँ. But after I was filled with the Holy Spirit, the pain gradually went away. लेकिन जब मैंने रूह कुदस जोड़ों की दर्द मुझे फील होती थी, लेकिन जब रूह कुदस मैंने पाया तो वो जोड़ों की दर्द सारी जाती थी. When you are filled with the Holy Spirit every day. और जब हम रूह कुदस से हर रोज मामूर हो जाते हैं, your body will become healthier. तो फिर आपकी जो आपका जो बदन है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाता है. You enjoy life more. और आप जिंदगी का ज्यादा लुत्फ उठाते हैं. Some Christians every day is sad. कुछ Christians. कुछ मसीही जो है वो उदास ही रहते हैं 24 घंटे. Do you want to live a sad life? क्या आप परेशानी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? Or do you want to live a joyful life? या आप शादमानी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? Hallelujah. When you live in the presence of God all the time. और जब आप खुदावंद की तारीफ में हर वक्त वक्त गुजारते हैं. When we hunger for God. और खुदा की भूख और प्यास रखते हैं. God's presence will bless our soul. खुदा की हसूरी हमारी जान को हमारी रूह को and our body. हमारे बदन को तसल्ली देती है. Now here I want to talk a little bit about some verses about the love of God. और खुदा की मोहब्बत के बारे में चंद एक हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. Zephaniah 3:17. सफनिया का सहीफा पुराने अहदनामे में से उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है. The Lord is your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. खुदा तेरा खुदा जो तुझ में है कादर है वही बचा लेगा. वो तेरे सबब से शादमा होकर खुशी करेगा. वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा. वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा. We'll pay attention to the last part. He'll take great delight in you. और आखिरी जिसका हिस्सा है वो है कि तेरे लिए शादमानी करेगा. Many people think of God's love is like the love of a judge, an old man. और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की मोहब्बत को इस तरह से लेते हैं कि जैसे कोई बहुत बुजुर्ग आदमी हो या कोई जज हो जो अदालत करने के लिए बैठा है और उसकी मोहब्बत. Some people think of God as an old man in heaven. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुदा एक बहुत बुजुर्ग आदमी है और आसमान पर है. Or like a judge. या वो जज की तरह है. Not much feeling in the love. और वो मोहब्बत की कोई मोहब्बत को महसूस नहीं कर पाते. And think of God's love as gentle. और to all people, gentle love. और या सारे लोगों के लिए एक ही तरह की मोहब्बत. But here it talks about a very personal love. लेकिन यहाँ पर वो शख्सी मोहब्बत का जिक्र करता है. And sentimental love. और बड़ा ही अजीब किस्म का जो मोहब्बत है. Love with feelings. यानी कि मोहब्बत एहसास के साथ. You know, many people because of suffering have lost feelings. और बहुत सारे लोग इसलिए परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि वो अपने एहसास खो बैठते हैं, feelings खो बैठते हैं. Some people don't smile, don't laugh. बहुत सारे लोग जो हैं वो हंसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं. Inside the heart there's no feeling. क्योंकि उनके दिल के अंदर किसी तरह की feelings नहीं. Because the feeling is suppressed. क्योंकि जो feelings हैं, एहसास हैं, उसी से हम कुछ भी हासिल करते हैं. Because when they were young, when they cry, the parents say, "Don't cry." और जब हम छोटे होते हैं, रोते हैं, तो हमारे माँबाप हमें कहते हैं कि नहीं, तुझे रोना नहीं चाहिए. Boys don't cry. लेकिन वो फिर भी रोते रहते हैं. And they suppress the feeling. और वो अपनी जो feelings हैं उनको दबा देते हैं. And when we grow up, very often we don't talk about our feelings. और जब हम बढ़ते हैं तो फिर जवान होते हैं तो कभी भी अपनी feelings के बारे में हम नहीं सोचते हैं. Thinking that we talk about feelings, we are weak.
और वो सोचते रहते हैं कि हम कमजोर हैं। But this Bible verse tells us that God is full of feelings. लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा मोहब्बत में मसरूर रहता है। He has created people with feelings. उसने इंसान को फीलिंग्स के साथ तख्लीक किया। Among the apostles, Peter is one who responded to Jesus many times. और शागिर्दों में से एक शागिर्द पतरस जो कि जल्दी से जज्बाती होकर यीशु मसीह को बहुत मरतबा उसने जवाब दिया। In the life of Peter, you can see his feelings came out. और आप पतरस की जिंदगी में देख सकते हैं कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो हमें नजर आती हैं। You know, when Jesus washed the feet of the disciples, जब यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धो रहा था, Jesus said, "No, you can never wash my feet." और पतरस ने ये कहा कि नहीं, तू मेरे पांव नहीं धो सकता। But then, when Jesus said, "If I don't wash your feet, then you have nothing to do with me," और फिर यीशु ने जब ये कहा कि अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा, तो तू कभी मेरे साथ शामिल नहीं होगा, then he said, "Wash my feet and wash my whole person." उसने कहा कि मेरे पांव भी धो दे, मेरा सर भी धो दे, मुझे धो दे। So here's the person who shows his emotions. ये वो शख्स है जो अपने जज्बात को जाहिर करता है। Now emotions I don't mean anger and frustration. और जज्बात का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में आ जाएं या आप दूसरों को दबाना शुरू कर दें। I mean like joy. और मेरा ये मतलब है कि आप शादमानी को जाहिर करें। Or express what is going through in our mind. और जो कुछ आपके ज़हन में है उसका इजहार करें। Now in this verse it says that He takes great delight in us. और लिखा है कि वो हमारे अंदर वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। That means he's very happy to see you. और इसीलिए मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। Let me ask you this question: When you go home, do your family members all say, "Wow, happy to see you"? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से घर वापस आते हैं, तो क्या आपके घर वाले लोग ये कहते हैं, "ओ, तेरे देख के बड़ी खुशी हुई"? Do your family members smile at you? क्या आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आप पर खुश होते हैं? Do your friends smile at you? आपके दोस्त आपसे खुश होते हैं? या कहने के लिए कहाँ हैं? How many friends that you have would say, "I'm happy to see you"? और क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जज्बात के साथ ये कहा हो कि तुझे देखकर तुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई है? Now many people don't have many friends like that. और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। I thank God. I always treat people nicely. और खुदा का शुक्र हो कि मैं हमेशा लोगों की इसी तरह से खिदमत करता हूँ। And I also love my wife. You can see my wife there. I love my great life greatly. और ये अपनी बीवी से प्यार भी करते हैं। वही फोटो लगाने लगाई है। सिर्फ आपकी बदली भी होना करने नहीं आए लाओ। But I love God much more than I love my wife. और लेकिन खुदा से मैं इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी से भी ज्यादा मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। And my wife loves me greatly too. इन्हें भी बीवी भी इन्हें प्यार करती है। Every day we chat with each other on the phone. Every time when she sees me, she's very happy. जब भी वो मुझे देखती है, वो बड़ी खुश हो जाती है। When we live in love, और जब हम मोहब्बत में रहते हैं, then there is joy. तो फिर वो हम पर शादमानी है। God is very happy to see you. खुदा बहुत खुश होता है आपसे मिलकर। Even though we don't have too many people in this world who is very happy to see us. लेकिन अगर जब बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमसे मिलकर खुश होता है। But you know that God is the one, the King of Kings. और खुदा एक ऐसी वाहिद हस्ती है जो बादशाहों का बादशाह है। Who is very happy to see each one of you. और आप में से हर एक को देखकर खुदा बहुत खुश होता है। No matter how lonely you think you are. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तन्हाई को महसूस करते हैं। God doesn't despise you. खुदा कभी भी आपको जाया नहीं होने देता। You are very special in His sight. क्योंकि उसकी नजर में आप बड़े खास हैं। He remembers you all the time. वो हर वक्त आपको याद रखता है। A mother would not forget her suckling baby. और जो माँ है वो अपने शीतखा बच्चे को भूल सकती है। Even if the mother would do that, the Lord said, "I will not forget you." लेकिन खुदा ये कहता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। He is full of love toward us. वो अपनी मोहब्बत से हमें मामूर करता है।
Please put that in our mind. और जरूरत है कि हम उसे अपने जहन में रखें. And respond to that love. और उसकी मोहब्बत का इजहार करें. Now think of one very important person in this world, maybe a great leader. Think of one great leader. और एक अजीम लीडर के मुतालिक आप सोचें. You won't expect the leader to come to you and say, oh, what can I do for you? How can I help you? You don't expect a great leader to do that to you. और हो सकता है कि आप ये तवक्कु रखते हो कि कोई बड़ा लीडर आपके सामने आए और वो ये कहे कि मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ या मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. या हम इसके खिलाफ कोई तवक्कु रखते हैं कि वो कभी मुझसे ऐसा नहीं कहेगा. Because the great leader is higher than you. क्योंकि जो बड़ा लीडर है, बड़ा रहनुमा है, वो आपसे बहुत बुलंद दर्जे पर. You can serve him, but he will not serve you. आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन वो कभी आपकी खिदमत नहीं करेगा. But our Lord Jesus Christ is the King of Kings. लेकिन हमारा खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह है. He is higher than any leader. वो हर एक रहनुमा से बढ़कर है. But he has the great love in him. लेकिन उसके अंदर अजीम मोहब्बत है. He loved the most humble person. वो जितने भी हलीम लोग हैं, उनसे वो मोहब्बत करता है. When he sees you, he's very happy. और जब वो आपको देखता है, वो बहुत खुश होता है. He takes great delight in you. और वो आपके लिए उसका इजहार करता है. Now when some people pray, और जब कुछ लोग दुआ करते हैं, they don't believe in God's love. वो खुदा की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते. They will say, this God, please come and help me. अरे खुदा दुआ मेरी मदद कर. I'm in a very miserable condition. और खुदा मैं बड़ी बुरी हालत में हूँ. I'm in big trouble. और मैं मुश्किल में हूँ. Please don't forget me. और खुदा मुझे भूल ना जा. The way many people pray, it sounds like God forgets them. और बहुत सारे लोग इस तरह की दुआ करते हैं कि जैसे खुदा हमें भूल गया. It looks like God is reluctant to help them. और वो इस बात को मुशाहदा करते हैं या इजहार करते हैं कि खुदा कभी उनकी दुआ का जवाब नहीं देता. But actually God loves us very much. लेकिन खुदा हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है हकीकत में. When we stop looking at the problems. और जब हम मुश्किलात पर निगाह घुमाना छोड़ देते हैं. Problem doesn't mean God doesn't love us. और इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता है जब हम मुश्किलात में होते हैं. Because when Adam sinned, God said, when you sow, instead of having crops, you will have thorns and thistles. और जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने उसे कहा कि तू अपने मुंह और पसीने की कमाई खाएगा, तू तेरे लिए जमीन ऊंट कटारे और झाड़ियां पैदा करेगी. Because of man's sin, there's always suffering in this world. क्योंकि इंसान के गुनाह के सबब से हमेशा मुश्किलात पैदा होती हैं. Suffering doesn't mean God doesn't love us. और मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता है. God came to help us in our suffering. और खुदा इसलिए आया कि हमारी मदद करे. Actually, when you suffer a lot, when you trust in Jesus. और जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं और यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं. And hold on to Jesus. और यीशु मसीह को थाम लेते हैं. And pray like me all the time. मेरी तरह दुआ करते हैं 24 घंटे. And all the time believing Jesus' love. और हर वक्त आप यीशु की मोहब्बत में रहते हैं. Love Jesus all the time. और यीशु से हर वक्त मोहब्बत रखते हैं. You have strength in the most difficult situation. तो फिर आप बड़ी ही मुश्किल में भी आप इस मोहब्बत का इजहार करते हैं. So it's very important to remember. और ये बड़ा अहम है कि आप इस बात को याद रखें. Suffering doesn't mean God doesn't love you. और मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता है. Suffering is because of our sins. और मुश्किलात इसलिए है क्योंकि हम गुनाह आलूदा हैं. We all suffer. तो हम सब मुसीबत का शिकार होते हैं. But God can give us joy. लेकिन खुदा हमें शादमानी दे सकता है. In the midst of all suffering. अब जबकि हम मुश्किलात में रहते हैं तब भी. And when you pray, believe this. जब आप दुआ करते हैं तो इस बात पर ईमान रखें. Now this is how I pray. Let me tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे दुआ करनी. Every time I pray, I say, Lord, I know that you're loving me right now. और जब भी मैं दुआ करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है. I know you're remembering me now.
now. और खुदा मैं जानता हूँ कि तू मुझे याद रखता है. When I experience His peace and joy. और जब मैं उसकी शांतमानी और खुशी और इत्मीनान का तजर्बा करता हूँ. And your love. और तेरी मोहब्बत का. It means that you're loving me now. और मैं जानता हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्यार करता है. So every time I pray, I'm saying. और जब भी मैं दुआ करता हूँ, मैं ये कहता हूँ. Lord, I know that you're loving me. खुदा मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है. This is faith. ये ईमान है. Believe that God is loving us. और इस बात पर ईमान है कि खुदा हमसे प्यार करता है. Believe the promise in the Bible. और जो बाइबल मुकद्दस के अंदर वादा है, उन पर ईमान रखे. And then you experience His peace and His love and His help. और फिर आप उसकी शादमानी और खुशी और इत्मीनान पर ईमान रखेंगे. And then you can experience all the time. और फिर आप हर वक्त इसका तजुर्बा कर सकते हैं. So remember this Bible verse. और बाइबल की इस आयत को याद रखें. He takes great delight in us. और वो हमें शादमानी और खुशी देता है. And also, He will quiet us with His love. और अपनी मोहब्बत में हमारे साथ मसरूर रहेगा. One time I went to a children's hospital. और एक बार मैं बच्चों के हॉस्पिटल में गया. I saw a mother holding a sleeping baby. और मैंने वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो सो रहा था उसको देखा. Probably the baby was sick, so the mother stayed in the hospital with the baby. और बच्चा बीमार होगा इसलिए वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में था. The baby was sleeping. बच्चा सो रहा था. The mother looked at the baby from the head to the toe. और माँ जो थी उसे सर से लेकर पांव तक देख रही थी. And from the toe to the head. और पांव से लेकर सर तक. While she was looking at the baby, she smiled all the way. और जब वो बच्चे को देख रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी. She was just doing this. वो इस तरह से देख रही थी. She was very happy to look at the baby. वो बड़ी खुश थी बच्चों को देखकर. When I saw that, I just stopped. I did not have a video camera at that time. If I had one, I would take a video of her. और मैं वहाँ पर रुक गया और उस वक्त मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं जरूर उसकी वीडियो बनाता. Then the mother would look at baby and I'm very happy. कि माँ अपने बच्चे को देखकर कितना खुश हो रही. She is full of love for the baby. वो अपने बच्चे के लिए मोहब्बत से मामूर थी. This is how God is looking at you now. और इसी तरह खुदा भी हम पर निगाह करता है. Do you believe that? क्या आपका ईमान है इस बात पर? That He is looking at you with love now. कि वो मोहब्बत से हमें देख रहा है. When I pray, I will say this, Lord, I know You're loving me now. और जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि खुदावन मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है. You are very happy with me now. तू बहुत खुश है मेरे साथ. I'm precious in your sight. और मैं तेरी नजर में कीमती हूँ. Thank you for your love. तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो. I can enjoy your love. मैं तेरी मोहब्बत के से लुत्फ अंदोज हो सकता हूँ. I hope we always have this mentality. और मैं जानता हूँ कि हम सब क्या कि यही ज़हनियत होगी. But because many people don't experience love in this world. लेकिन बहुत सारे लोगों का ये तजुर्बा नहीं होता कि इस दुनिया में मोहब्बत का. Sometimes it's hard for us to believe that God loves us with that great love. और बाज़ुकात हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम इस बात को जानें कि खुदा की अजीम मोहब्बत हमारे साथ है. Sometimes when we think of God's love, we think of like some of the people who might beat us. और हो सकता है कि हम ये कहते हैं कि खुदा तो हमसे मोहब्बत रखता है लेकिन लोग मुझे मारते पीटते हैं. When some people think of God, जब कुछ लोग खुदा के तलक सोचते हैं, they always think of God looking for some problem, some fault. और जब वो खुदा के तलक सोचते हैं, तो वो कुछ मुश्किलात के बारे में अपने ज़हन में रखते हैं, या कुछ गलतियाँ तलाश करते हैं. And they think of God always ready to spank them. और वो ये सोचते हैं कि खुदा 24 घंटे झाड़ पूंछ ही करता रहता है. You're no good. और आप अच्छाई को नहीं जानते. So many Christians say, Lord, I'm not good. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुदा मैं ठीक नहीं हूँ. I'm not doing well. और मैं सही नहीं कर रहा. Now it's true that we're not doing well. और हम जानते हैं ये सच्चाई है कि हम सही काम नहीं कर रहे. But when we believe in the love of God. लेकिन जब हम खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखते हैं. Even when we don't do well. और हो सकता है कि हम अच्छे काम ना करते हो. We know that God still loves me. लेकिन फिर भी खुदा हमसे प्यार करता है. God still wants to bless me. और खुदा फिर भी मुझे बरकत से मामूर करना चाहता है. When I repent of my sin. जब मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ. And have a close relationship with Him. और मैं जब उसके साथ करीबी रिश्ता कायम कर लेता हूँ. His love will come to me. तो फिर उसकी मोहब्बत मेरे अंदर दाखिल हो जाती है. Many people told me. बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं.
Oh, I have sinned again. और मैंने फिर से गुनाह कर लिया. I have not prayed for a long time. और मैंने बहुत लंबे देर तक दुआ नहीं की है. God doesn't love me anymore. खुदा मुझसे तो प्यार नहीं करता है. I tell them. मैं उनसे बताता हूँ, उनसे कहता हूँ. When God look at all people. जब खुदा तमाम लोगों पर निगाह करता है. Everyone has sins. हर एक ने गुनाह किया है. You have sins. God is not surprised. और तेरे गुनाह के वसीला से खुदा हैरान भी हुआ है. Everyone has sins. क्योंकि हर किसी ने गुनाह किया. But when you come to God in repentance. लेकिन जब आप खुदा के पास आते हैं और तौबा करते हैं. God is very happy. तो फिर खुदा बहुत खुश होता है. God doesn't just keep looking at your sins. और खुदा सिर्फ आपके गुनाह को नहीं देखता है. He always wants to bless us. खुदा हमेशा हमें बरकत देना चाहता है. So if you have committed sin, just repent. अगर आपने गुनाह किया है तो सिर्फ तौबा करने की जरूरत है. If you have not prayed for a long time, just pray now. अगर आप ज्यादा देर तक दुआ नहीं कर पाते तो अभी दुआ करने की जरूरत है. Don't keep saying, oh, I'm weak. ये ना कहें कि मैं कमजोर हूँ. Any moment when we come to the Lord, we can become strong again. और जब भी हम खुदा के हुजूर में आते हैं हम मजबूत हो सकते हैं. Can you have that faith? क्या आपका ऐसा ईमान है? Say this after me. God always welcome me back. और मेरे पीछे ये कहे, खुदा हमेशा मुझे वापस आने पर खुशामदीद कहता है. God is always waiting for me in love. खुदा हमेशा मोहब्बत में मेरा इंतजार रहता है. His love is beyond my imagination. और उसकी मोहब्बत मेरे ख्यालात में है. There is no one like him. और उसकी मानद कोई नहीं है. Hallelujah. And this last part of the verse says, He will rejoice over me with singing. और लिखा है कि वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा. What it says here is that God is so happy when He sees us. और जब वो हमें देखता है तो खुदा बहुत खुश होता है. Then He rejoices over you with singing. और वो आप पर खुश होता है. Is there someone who sees you and then they will sing and I'm very happy to see you? क्या कोई ऐसा है जो कभी आप पर कहका लगाता हो कि आप उसे मिलकर उसे बड़ी खुशी हुई है? Is there someone who sings to you, I love you, और I love you? या कभी किसी ने हमारे लिए ये गाया हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? Hardly anyone. ये सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है. But God is a God full of love. लेकिन खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है. His love is beyond our imagination. वो हमारे ख्यालात से बढ़कर हमसे प्यार करता है. We are all special in His sight. उसकी नजर में हम बड़े खास. We are all precious in His sight. उसकी नजर में हम बड़े अहम हैं. We are all prince and princesses. हम सब शहजादे और शहजादियां हैं. But many children of God live like beggars. लेकिन बहुत सारे खुदा के बेटे और बेटियां भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं. Oh, I'm miserable. Oh, खुदा मैं इस लायक नहीं. Help me, God. खुदा मेरी मदद कर. Where are you? खुदा तू कहाँ है? Live in mystery. But in fact, we are prince and princess. लेकिन वो इस भेद को नहीं जानते. हकीकत में हम शहजादे और शहजादियां हैं. We are loved by God. और खुदा हमसे प्यार करता है. We are very special in God's sight. और खुदा की नजर में हम बड़े अहम हैं. I encourage you to have this prayer of grace every day, many times. और मैं ये चाहता हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप हर वक्त ये दुआ के लिए किया करें. The prayer of grace is something like this. और इस तरह से दुआ किए करें. Lord, you and then you can say after, tell them to say after you. मेरे पीछे आपने ये कहना है. Lord, you are loving me now. खुदा तू मुझसे प्यार कर रहा है. You're looking at me with love. तू मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा है. I'm special in your sight. मैं तेरी नजर में खास हूँ. I'm precious in your eyes. मैं तेरी नजर में खास हूँ. You have a wonderful plan in my life. मेरी जिंदगी के लिए तेरे पास बेहतरीन मंसूबा है. You want to do great things in my life. और तू मेरी जिंदगी में अजीम काम करने को है. I'm special in your plan. और मैं तेरे मंसूबे में खास हूँ. I can rejoice in the Lord. मैं खुदावंद में शादमान हो सकता हूँ. I can enjoy God. और मैं खुदावंद के साथ शादमान हो सकता हूँ.
God is so wonderful. क्योंकि खुदा असीम है. I can rejoice because of God. और मैं खुदा की वजह से शादमा हो सकता हूँ. I can learn to like myself. और मैं अपने आप को उसकी मानत देख सकता हूँ. Because God loves, likes me. क्योंकि खुदा मुझे पसंद करता है. I can live in joy. मैं मोहब्बत में, मैं शादमानी में रह सकता हूँ. Now this kind of prayer is saying out the love of God toward us. और इस तरह की मोहब्बत जो है, वो हम उसका इजहार कर सकते हैं ताकि खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर दाखिल हो. So when we are unhappy, when we are unhappy, और जब हम नाखुश होते हैं, or when we are happy, या हम खुश होते हैं, we can say, हम कह सकते हैं, the Lord rejoices over me. और खुदा मेरे ऊपर शादमा है. The Lord is happy with me. खुदा मेरे साथ खुश है. I can enjoy life. मैं अपनी जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. You know, I have a great way of prayer. Hallelujah, ha ha ha. Now, some people call me Hallelujah, ha ha ha, Pastor. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आह वो पादरी जरा Hallelujah, ha ha. And you can just say Hallelujah, ha ha ha. आप इस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं. We can all live in love and joy. और हम मोहब्बत में लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. Why suffer? हम क्यों मुश्किलों का शिकार हैं? Now some people say my life is too difficult. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी मुश्किलों का शिकार है. Where can I see God's love? और मैं खुदा की मोहब्बत को कहाँ पर देख सकता हूँ? I will talk about five areas we can see God's love. पांच और ऐसी बातें हम सीख सकते हैं जल्दी से. मैंने उन्हें कहा कि टाइम जरा ज्यादा हो गया. The first is in nature. पहली नंबर एक जो है वो फितरत है. When you look at beautiful flowers, जब आप खूबसूरत फूलों को देखते हैं, it's God creation in love. और खुदा की मोहब्बत ने इसे तख्लीक किया. When you eat your food, जब आप अपना खाना खाते हैं, do you like your food? क्या आप अपना खाना पसंद करते हैं? God created food with love. खुदा ने खाने को मोहब्बत से तख्लीक किया. So you can enjoy food. ताकि आप उस खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें. When you drink water, जब आप पानी पीते हैं, does it feel good? क्या इससे आप बेहतर महसूस करते हैं? It's God creation in love. और खुदा की ये एक बनाई हुई चीज है जो उसने मोहब्बत से तख्लीक की. God also gave people love. और खुदा ने इंसानों को भी, लोगों को भी मोहब्बत से मामूर किया. God gave love to your parents. खुदा ने आपके वालदैन को मोहब्बत दी. We can experience love from our parents. आप अपने माँबाप से मोहब्बत का तजर्बा हासिल कर सकते हैं. Even animals have love. और यहाँ तक कि जानवरों को भी मोहब्बत होती है. Animals love their children. और जो है वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं. So when we look at nature, we can see God's love. और जब हम इस फितरत को, इस कुदरत की बनाई चीजों को देखते हैं, तो हम खुदा की मोहब्बत को देख सकते हैं. When you look at creation of God people, और जब आप खुदा के लोगों के को देखते हैं, you can see good nature too. फिर आप उनकी अच्छी फितरत को देख सकते हैं. And you say, thank God for the love that you put in your creation. और खुदा का शुक्र हो कि उसने अपनी मोहब्बत जो है अपनी मखलूकात के अंदर भर दी है. Okay, so that's one area. Look at creation and think of the love of God. और ये पहली बात है कि जब आप इस मखलूकात को देखते हैं, तो खुदा की मोहब्बत का अंदाजा कीजिए. And the second is in Jesus' redemption. खुदा ने यीशु का फिदिया. नंबर दो. Jesus died on the cross. यीशु मसीह सलीब पर हुआ. The Son of God. खुदा का बेटा. The King of Kings. बादशाहों का बादशाह. Die for us. वो हमारी खातिर हुआ. If a great leader died for you. और अगर एक अजीम रहनुमा आपके लिए हुआ है. You say, I don't deserve that. और आप ये कह सकते हैं कि मैं तो ऐसी तवक्को नहीं रखता था. But God is greater than any leader. लेकिन खुदा हर एक रहनुमा से बढ़कर है. And Jesus died for us. और यीशु मसीह हमारे लिए हुआ. The third is in the Bible.
और नंबर तीन जो है वो बाइबल मुकद्दस द मोर यू रीड इन द बाइबल और ये जो कलाम आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं रीड इन द लव ऑफ गॉड और खुदा की मोहब्बत से इसको पढ़ा करें आई जस्ट स्पेंड यू नो टाइम एक्सप्लेन दिस बाइबल वर्स देयर आर मेनी बाइबल वर्सेस दैट टॉक अबाउट द लव ऑफ गॉड और बाइबल मुकद्दस में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारे हमारा जात में आपको बताऊं लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारा जात है जो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करते हैं And the fourth, when we pray or worship, do you experience peace and love from God? और जब हम नंबर चार ये कि जब हम दुआ करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो क्या हम इस बात का तजुर्बा करते हैं कि खुदा से प्यार करता है? If you experience God's presence when you pray or worship, please raise your hand. और अगर आपने कभी प्रस्तुत के दौरान या दुआ के दौरान उसकी हजूरी को महसूस किया हो तो अपने हाथ को बुलंद करें। When you experience the peace, you say, "God is loving me." और आपने तमन्ना को हासिल किया हो कि खुदा मुझसे प्यार करता है। When you experience joy, you say, "God is loving me now." और क्या इस बात का आप तजुर्बा कर सकते हैं कि खुदा मुझसे भी प्यार करता है? When you experience healing, you say, "God is loving me." और जब खुदा आपको शिफा देता है, तो तब भी कभी आपने इस बात का इजहार किया कि खुदा मुझसे प्यार करता है? So that's the fourth thing. The fifth thing is. When we experience answer of our prayers. और पांचवें नंबर पे जो बात है वो ये है कि जब हमें हमारी दुआओं का जवाब मिलता है। Or help in difficulties. या मुश्किलात में हमारी मदद की जाती है। And then you get the help of God when you pray to Him. और जब आप खुदा की मदद के मुतराशी होते हैं, तो उस वक्त आपकी मदद की जाती है। Or sometimes when we don't pray, God still लेकिन बाज़ुकात हम दुआ भी नहीं करते और खुदा हमें जवाब दे देता है And you remember that. और आप इस बात को याद रखते हैं Those are actions of God. और ये खुदा के काम करने के तरीके हैं So, let's go through this again. First, yeah, you can ask them to stay together. We can see God's love in God's creation. हम ये कह सकते हैं कि हम खुदा की मखलूक में उसकी मोहब्बत देखते हैं हम खुदा की मखलूक में खुदा की मोहब्बत देखते हैं Second, in Jesus' redemption. Number two, Yeshu Masih ka fidya. And three, from the Bible. Number three, Bible Muqaddas. What is that? Number four, when we pray and worship, we experience His love. Number four ye hai ki jab hum dua karte hain, prasthish karte hain, to hume uske itminan ka tajruba hota hai. Number five, when we experience help in our daily life. और नंबर पांच ये है कि हमारी रूटीन की जो जिंदगी है हर रोज हम जो जिंदगी गुजारते हैं उसमें हमारी मदद की जाती है So I hope you remember God's love all the time. और हमें जरूरत है कि इस बात को याद रखें कि खुदा हर वक्त हमसे प्यार करता है And spend as much time as possible saying God loves me. और इस बात पर वक्त गुजारे कि खुदा मुझसे प्यार करता है And loving God with all our heart. और अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखें All our soul. अपनी पूरी जान से Oh Jesus, I love you. ओ यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ I love you. मैं प्यार करता हूँ तुझसे When we say Jesus, we love you. Think of Jesus in front of us. और जब आप ये कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसकी बात सोचे कि यीशु मेरे सामने खड़ा हुआ है। We don't have to think of the image. और हमें किसी तस्वीर की बात नहीं सोचना है। But think of saying it to a personal Jesus. बल्कि यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपने दरमियान महसूस Don't just say it to the air. सिर्फ हवा में ये बातें ना कहें। Say to a personal God. और खुदा से शख्सी तौर पर बातें करें। I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ। You are loving me. तू मुझसे प्यार करता है। I enjoy your love. मैं हमें तेरी मोहब्बत के से लुत्फ़ुंदोज़ होता हूँ। You are so wonderful. क्योंकि तू बड़ा अज़ीम है। You know the best thing I can do for you when I pray for you. और एक बात जो सबसे बेहतरीन जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ जब मैं आपके लिए दुआ करूँ। Is to help you experience the peace. The joy and the love of God. ये यही है कि आप तजुर्बा करें कि खुदा का इत्मीनान खुदा की तसल्ली आपके अंदर दाखिल हो। So I hope more people will look for that when I pray for you. और बहुत सारे लोग इस बात का मुशाहिदा करेंगे और मुंतजिर होंगे जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा होगा। And once you experience the love of God, the peace of God. और जब आप इस बात का तजुर्बा कर पाएंगे कि उसकी मोहब्बत और उसके इत्मीनान Spend more time praying. तो फिर ज़्यादा दुआ में वक्त गुज़ारें. To keep the presence of God. ताकि खुदा की हज़ूरी आपके अंदर कायम रहे. If you go home and don't pray much. और अगर आप घर जाते हैं और ज़्यादा दुआ नहीं करते. The presence of God will go away in a short time. तो फिर खुदा की हज़ूरी आपसे जुदा हो जाएगी. But
But if you keep praying to him much, लेकिन अगर आप ज्यादा उससे दुआ करते हैं, his presence will stay strong in you. तो फिर वो उसकी हजूरी जो है वो हमेशा आपके साथ रहे. And you can live in love. और फिर आप मोहब्बत में रहें. All the time. All the time. And then you can love people. और फिर आप लोगों से प्यार कर सकते हैं. God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all.